आप लोग यहीं पे सोते हैं, इधर ही सोते हैं? हाँ, यह पकाता भी इधर ही है। इलिश मछली का जाल बना रहे हैं, जाल बना रहे हैं इलिश मछली धरन में। आपका पाकिस्तान का नंबर क्या है? मेरा पाकिस्तान का नंबर इसको फिर आग लगाएंगे जलाने के लिए ये। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। आगे तो यार सारी कीचड़ है। ये जी हमारे सामने जी आ गई है बाजार, और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के फल हमें पहले नजर आ रहे हैं। ये पड़ा हुआ है अमरा, इस तरफ ये लेके जा रहा है जनाब गुआवा, इस तरफ यहाँ पर भी ये सारा गुआवा पड़ा हुआ है। और इस बाजार का नाम है बेसिकली भीम रूली बाजार। भीम रूली? हाँ, भेरमूली के भीम रूली, भीम रूली। ओके, हाँ मामा क्या हाल है? पुंदु भाई ठीक है? ये अब यहाँ पे ये अपने जाना गुआवा ये उतार रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं शायद एक से और में। नमस्कार भैया, इस तरफ यहाँ पे जनाब ये जो है ना वो ये कोई पिगी, एक पिग उसको ज़िबा कर रहे हैं। पिग है, हाँ लगते पिग रहा है ये। सो ओप हम यहाँ पे कराया तो हम यहाँ ज़रा चाय पी लेते हैं। यहाँ से चाय है आपके पास? चाय भैया हैं, चाय पिला दो मुझे। ये खाना अम्मा बना रही हैं। नमस्कार, हेलो, व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये क्या है? कोचू आई ना एडी, इससे इससे क्या बनता है? कोचू लगा कोचू, हाँ, कोचू आ, 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 करी करी बनती है इससे? हाँ, सालन हाँ, खाने के लिए सब्जी सब्जी हाँ, तो ये सब्जी है? हाँ, सब्जी है, इसमें है, इसमें तो ये करेले हैं। हाँ, हाँ, करेला उस्ता हाँ, हाँ, उस्ता 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 आप इसे उस्ता कहते हैं? ओके, तो ये क्या है? हाँ ओके, कस्तूर का फूल है ये। ओके ओके ओके, ये करेले का फूल है। हाँ ओके 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 ओके, इंटरनेट से आया है। आसो ये बनाना, अब बनाना का फल है? बनाना केला लालटे से पाकिस्तानी है। हाँ हाँ ओके ओके जी, अच्छा तो ये बनाना है जी ये? हाँ ये बनाना का फल है। हाँ आप क्या बना रही हैं? दाल, सब्जी दाल, दाल दाल बना रही हैं। वाह जबरदस्त। सामान सा पीछे उधर क्या है? सामने वाले इंटरनेट से रे दे बहन। वाह अनएक्सपेक्टेड दाल। हाँ ये दाल, रसगुल्ले रसगुल्ले, सब्जी, ये मालिक है, बॉस है बॉस। ओके
हाँ, तो यहाँ पर वैसे हम गाड़ी पर भी आ सकते हैं, नहीं गाड़ी पे कह रहा हूँ, मोटरसाइकिल पे आई थिंक। नमस्कार भैया, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे जो है वो जिसके मैं देखने आया था, यहाँ पे कुछ हो रहा है। अये ये बेचारे, इस बेचारे को जो है उन्होंने ज़िबा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, इसको मारा कैसे इन्होंने? इसको मारा कैसे? इसको मारा है आपने? हाँ हाँ। ओके इसको ज़िबा कैसे किया? मारा सर पे? मारा सर पे? हाँ कैसे मारा है इसको? सर पे? गोली मारी है? ना ना ना, चाकू? चाकू मारा ऐसे दिल में? ओके हाँ, यानी इसको इन्होंने जो है, क्या खैर चलो, अच्छा ज़िबा तो खैर नहीं करते आमतौर पे, जो है वो हमने सुना है कि उसके सर में जो है हथौड़ी से या किसी उससे जो है उसमें वहाँ पे मारते हैं चोट तो उसे मर जाता है ये, लेकिन उन्होंने यहाँ पे जो है उसके दिल के अंदर चाकू से दिल के अंदर मारा। ओके ओके ठीक है चलें। अब इसका जनाब ये बनाएंगे बारबेक्यू, इसका ये बारबेक्यू अब खाएंगे, या शायद इसकी इसका करी बनाएंगे। तो यहाँ पर तो मुस्लिम भी हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग मुस्लिम हैं? मुस्लिम? जी जी मुस्लिम, मुस्लिम हैं। यहाँ पे क्या हाल है? ठीक है, आप मुस्लिम हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। योर कंट्री? पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान हाँ हाँ। लव माय पाकिस्तान। आई यू लव पाकिस्तान, आई लव बांग्लादेश, थैंक यू। ओके कुछ लोग ये, कुछ लोग वहाँ से लेके आ रहे थे, नमस्कार, कुछ लोग जो हैं ये वहाँ से लेके आ रहे थे कश्तियाँ के ऊपर, कुछ लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं अपने इनके ऊपर रक्षा के ऊपर, और इस तरह की टोकरियाँ बनाई जा रही हैं। हाँ ये केले के पत्ते की टोकरियाँ हैं। वाह असो, ये वहाँ से लेके आ रहे हैं, ये वहाँ से लेके आ रहे हैं कश्तियाँ पे, अब फिर यहाँ पे आके इनको बेचा जा रहा है। वाह तो आमरा, गुआवा, बनाना, वो देखो अब ये वहाँ से लेके आ रहा है। बहुत अच्छा, थोड़ा बहुत आता है। हाँ हाँ तो हमारा यहाँ पर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे लिए सब कुछ ये नया है, इसको मैंने पहले कभी नहीं देखा। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे मेरे कुछ हैं दोस्त, हाँ हाँ हाँ, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे ज़रूर जाऊँ। पहले डोंट मेंट, तुम्हारा नाम पहले दो? अरशद, अरशद अरशद अरशद। और आप मेरा नाम यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं बंगला में? ओके 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 ठीक है ठीक है। ये फैला हुआ है, ये जो गुआबा फॉरेस्ट है, यहाँ पर अभी अमरा का भी आबाद हो रहा है, और जो बहुत ही सब्जी, ताजे ताजे सब्जी का आबाद हो रहा है, बहुत ही अच्छे। मैंने ये नहीं जानता हूँ कि तुम देखा कि नहीं, वो जो फ्लोटिंग क्या कहते हैं एग्रीकल्चरिंग, यू नो फ्लोटिंग एग्रीकल्चर, मैंने हमारा यहाँ पर उसको कहते हैं कि कैसे समझाओ तुमको, मैं उर्दू में नहीं कह सकता हूँ, इसको कहते हैं इसलिए फ्लोटिंग, इसको जैसे कहते हैं फ्लोटिंग मार्केट, और उसको कहते हैं फ्लोटिंग एग्रीकल्चर। ओके समझा? ऐसे तो ये जो गुआवा फॉरेस्ट है उसको बोलेंगे उर्दू में तैरती हुई काश्तकारी। तैरती हुई काश्तकारी? अच्छा 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 अच्छा, ये हाँ हाँ हाँ, सही सही सही, फ्लोटिंग एग्रीकल्चर। हाँ फ्लोटिंग एग्रीकल्चर। और ये जो गुआवा फॉरेस्ट है ना,
ये कम से कम 200 साल से यहाँ पर है। ओके। कम से कम 200 साल से यहाँ पर है, वो तो चल रहा है अभी भी। क्या अभी क्या हुआ कि जो मौसम है ना, मौसम बदल गया। हाँ। सो कभी कभी ये जो गुआवा थोड़ा सा कम होता है तो मुनाफा कम होता है, इसलिए बहुत ही लोग ने इसको छोड़ देता है, छोड़ दे रहा है, और वो जो अमड़ा है और सब्जी है इस पर छूट रहा है। ओके। क्लाइमेट चेंज इसके लिए जो ये हार्म हो रहा है, हमारे लिए बहुत ही दुख का बात, तकलीफ की बात है। कभी ना कभी हाँ हो सकता है ऐसा कि ये खत्म हो जाए। ओके। ये हमारा डर है कि ऐसा ना हो। अल्लाह के पास दुआ करता हूँ ऐसा ना हो, तुम भी दुआ करो इंशाल्लाह। ओके शौकत भाई, थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक यू वेरी मच। ये देखिए जब यहाँ पर जाना, कश्तियाँ आहिस्ता से ज़्यादा होती जा रही हैं। अरे किसी में सब्जियाँ आ रही हैं, किसी सामने वहाँ पपाया पड़ा हुआ है, बनाना है, आमरा है, वहाँ पे सब्जियाँ पड़ी हुई हैं, उधर पीछे और भी बहुत सारी इस तरह की जो है चीज़ें अभी। अब यहाँ पे ये दुकान है, एक किस्म को ये जो है ना, ये फ्लोटिंग दुकानें हैं, तो लोग अपनी अपनी कश्तियाँ पर अपना अपना सामान, अपनी सब्जियाँ, अपना फल ले कर यहाँ पर आके बेच रहे हैं। तो बजाय इसके कि वो इसको यहाँ पर लगाएं साइड पे, क्योंकि ये मार्केट इतनी पुरानी है 200 साल से, तो वही कस्टम वही ट्रेडिशन जो है वो यहाँ पर अभी वैसे ही चल रही है, और लोग अभी यहाँ पे गुआवा आ रहा है। वाह, अनबिलीवेबल, इट्स सो इंटरेस्टिंग टू बी हियर टू सी दिस। ये मंदिर में पूजा होगा, पूजा के लिए ये जो प्रतिमा बनाएगा, प्रतिमा हाँ, मूर्ति मूर्ति बनाएगा इससे। ओके ओके ओके, तो ये मूर्ति बना रहा है आप? हाँ, मूर्ति बना रहा है। तो पहले ये जो पान है इससे ऐसा बनाते हैं, बनाकर फिर बाद में इसमें मिट्टी डालेगा। ओके। मिट्टी डाल के फिर इसका मूर्ति बनाएगा। हाँ, ऐसी ऐसी ये इसका कारीगर है। अच्छा, ये कारीगर है मूर्ति बनाने का। मंदिर है, पुराना मंदिर है जी। अच्छा, ये मंदिर पुराना है, बहुत पुराना मंदिर है। लेट मी सी, यहाँ पे ये स्कूल भी है अभी। ये नमस्कार, ये स्कूल बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जनाब ये मंदिर भी जो है उतना ही पुराना है जितनी यहाँ पे ये फ्लोटिंग मार्केट है। यस, वहाँ पर जूता अंदर नहीं ना, अंदर हाँ, इधर बाहर ही, मैं बाहर ही खड़ा। ठीक है, उस तरफ से। तो यहाँ पे जहाँ जनाब ये यहाँ पे एक मंदिर भी है, तो ये किन का मंदिर है? दुर्गा माता का मंदिर है, किसका मंदिर है? नहीं नहीं, ये किशन जी है और राधा जी है। अच्छा, राधा और कृष्ण जी। हाँ, राधा कृष्ण जी का मंदिर है ये। ओके, राधा और कृष्ण। ओके, थैंक यू। यहाँ पर जो यहाँ बना रहे हैं वो यहाँ बना रहा है, यहाँ मूर्ति बनेगी। कौन पूजा जो बनाएगी? दुर्गा पूजा। सामने दुर्गा उत्सव होगा ना, यहाँ पर दुर्गा मूर्ति बनाएगा, फिर पूजा होगा। ओके। सामने ये जो हमारा देश में बांग्ला मंथ है, मास मंथ समझा ना, तो ऊपर जब वैशाख ज्योष्ठ आषाढ़ श्रावण, अभी चल रहा है भद्रा के बाद आएगा अश्विन, फिर आएगा कार्तिक। ये महीनों के नाम है। वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक अग्रहायण पौष माघ फाल्गुन चैत्र। ओके, तो এটা হবে আপনার হলো গিয়ে আশ্বিন মাসে এই দুর্গা পূজা হবে, সেই পূজার জন্যই এই মূর্তি তৈরি করা হচ্ছে। দুর্গা মূর্তি यहां बनेगी। ओके 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 ओके, ठीक है। तो कब होगी वो, कब है? अभी भी दो मंथ बाकी, दो महीने अभी हैं। ओके, आपकी भद्रवासी आगामी मास, आश्विन मास ना, आगामी मास ना, नेक्स्ट मंथ। ओके, अभी भी बांग्ला मंथ चल रहा है, ये भद्रो मंथ चल रहा है, फिर आश्विन मंथ में ये पूजा होगा। ओके ओके, बहुत ही सारा बांग्लादेश, हाँ, बहुत बड़ा पूजा होता है, अगर हो सके तो चला आना। अब मैं उसे मलेशिया आऊंगा, मलेशिया एहन सपन एक पत्री खुला है।
ये भी बाजार है। हाँ बाजार, बाजार, अजगर बाजार, अजगर बाजार, अजगर बाजार, अजगर बाजार। हाँ। अरे मुस्लिम है, मुस्लिम है, अरे मुस्लिम है। कौन दास है? राम। पाकिस्तान। 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 हाँ। अरे लेगा। हाँ ठीक ठाक। डालो, 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 डालो। ठीक ठाक, शुक्र है। सब पैर है क्या हाल है भैया? थैंक यू, थैंक यू। आप लोग यहीं पे सोते हैं? इधर ही सोते हैं? हाँ, यह पकाता भी इधर ही है। वाह, और यहाँ पे रहते हैं? घर किधर है? घर, घर हाँ, वो वहाँ पीछे से वो देखे, पीछे से वहाँ पे पका रहे हैं। ये रहते इधर ही हैं, वो पीछे वहाँ पर भी और कुछ बैठे हुए हैं। ठीक है, सब ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये लोग यार, ये लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे सोते हैं, यहाँ पे खाते हैं, यहीं पकाते हैं। इंटरेस्टिंग। और हमें एक दो गुआवा और मिल गया खाने के लिए। पाकिस्तान? हाँ। आप मुस्लिम हैं? मुस्लिम? ये बाजार आपका है? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब ठीक है? खैरियत है? हां, एडा मुस्लिम ना, एडा है। हां, ये भाई है, भाई। हां, ये भाई है, भैया। ये पता नहीं क्या मेरे हाथ में। भैया ये क्या है? ये खा, खा, खा। ये है क्या? कच्चा, कच्चा, कच्चा। हां, भला भला भला। कच्चा प्यारा? हां, कच्चा प्यारा। ये कच्चा अमरूद है जी। सब कच्चे का मजा नहीं, जो जो पके हैं। वाह, पके जहाँ उनकी खुशबू, उनका जायका अमेजिंग। नमस्ते बहन जी। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। अब यहाँ पे क्योंकि जरा टाइम में खेल रहे हैं, 11 बज रहे हैं, तो अब यहाँ पे थोड़े से हलचल जरा ज़्यादा हो गई है। लोग बाहर निकल आए हैं, और वो सामने वहाँ पे एक मंदिर है, वो सामने एक स्कूल भी है, वहाँ पे झंडा लहरा रहा है बांग्लादेश का। अब यहाँ पे जो है लाइफ पूरी एक दोबारा से फुल दोबारा उसमें आ गई है। ये भी नमस्ते है। नमस्ते बहन जी। ये मुस्लिम है? अस्सलाम वालेकुम। ये भैया जो हमारे पीछे है ना, कश्ती वाला, जब मुस्लिम आते हैं कहते हैं ये मुस्लिम है, मुस्लिम है, और जब हिंदू आते हैं कहते हैं ये नमस्ते है, नमस्ते है। इसलिए कहते हैं कि मैं मुस्लिम होता कि मैं सलाम करूं, और जो हिंदू होते हैं उन्हें कहते हैं ये नमस्ते है, नमस्ते है, इनको नमस्ते बोलो। इस गांव का नाम क्या है? अजगर। अजगर।
अदगर 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 बाजार अदगर बाजार अदगर बाजार अदगर बाजार यह है जनाब अदगर बाजार जहाँ पे हम इसे फिर रहे हैं और ये यहाँ पे एक छोटी सी फार्मेसी है। यहाँ पे आपको जो भी किसी किस्म के सामान विटामिन सी भी नज़र आ रहा है तो यहाँ पे आपको विटामिन सी मिल जाएंगे। ये भैया व्हाट्स योर नेम? मैम सलमान। सलमान सलमान हाउ आर यू? आई एम फाइन। आर यू फाइन? तो यहाँ पे एक और ये शॉप है छोटी सी। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे क्या हुआ है? बाइक एक्सीडेंट। बाइक एक्सीडेंट ओके। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? हेलो ठीक ठाक वेरी गुड ओके ठीक है भैया ओके। तुम्हारा टूर जो है वो कम्प्लीट हो गया है जी इसका बाजार का। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? क्या हाल है? मिस्टर सरवार हुसैन चौधरी। हां मिस्टर सरवार हुसैन चौधरी। यू आर मिस्टर सरवार हुसैन चौधरी? डू यू स्पीक हिंदी उर्दू इंग्लिश? हिंदी बंगला हिंदी बंगला। वेयर आर यू कम फ्रॉम? आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान वेरी गुड ओके थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट यूर नेम? अरशद। अरशद थैंक यू। तो सामने जहाँ पे हमारा बाइक खड़ा हुआ है जी वो है एक स्कूल। तो चल के ज़रा उस स्कूल को भी चेक करते हैं ज़रा अभी के वहाँ पे। तो ये यहाँ पे है जी एक छोटी सी यहाँ पे छोटा सा एक ये है ढाबा। यहाँ पे आपको चाय बिस्किट वगैरह मिलेगी। योर इंग्लिश टीचर? अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू सर? I am fine. How are you? I am fine. Thank you. Where do you come from? I am from Pakistan. Pakistan? Yeah. You look nice with the glasses. For tour? Yeah, tourist. Tourist. Your profession here? My profession, I am traveling. Traveling? Yeah. When I came here? I came here or Bangladesh? One week. One week? Yeah. From where are you to? From Dhaka. Dhaka? Yeah. I'm on the motorcycle. Today came here? Yeah, now came here. Okay, thank you very much, sir. Thank you. तो ये जनाब इस स्कूल में इंग्लिश टीचर हैं। ये स्कूल है। Let's go and check the school as well. यहाँ पे हमने अपना सुबह मोटरसाइकिल भी यहीं पे पार्क किया था। तो ये मेरा और माइक था मेरा वायरलेस उसकी बैटरी ख़त्म हो गई है तो अब मैं इसको सिर्फ बगैर माइक के कर रहा हूँ तो शायद आपको आवाज़ कभी कभी थोड़ी सी कम होगी। तो ये है जी यहाँ पे स्कूल जहाँ पे अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं। हेलो हाय कैन आई कम इनसाइड? या इज इट पॉसिबल? ओके थैंक यू। योर टीचर? आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान? या sit down. I'm not your teacher. I'm mathematics teacher. Mathematics teacher. Mathematics, okay. Yeah. So you're making a professional in the mathematics? Yeah. Yeah? Which class is this? Is class 10. Class 10, okay. So you know already mathematics, everything? Something. Yes. Okay. Are you good? Yeah? Yeah. You're good in mathematics? Yeah. You also? Yeah. Yeah? Okay. Enjoy. Have fun. Okay, thank you very much. Thank you very much, sir. Okay. Sit down. Headmaster. Sir. Assalamu alaikum, sir. How are you? I'm fine. Yeah. Just keep your work. I just came here just to say hello. Assalamu alaikum. Yeah. Thank you very much. Thank you. In country? From Pakistan. From Pakistan. Yeah. Yeah. Thank you very much. Sit down. No, I just go because I have to go to Kolkata. Yeah. Yeah. So thank you very much. Assalamu alaikum. Okay, bhai. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you. You too. Thank you. Assalamu alaikum. Nice to meet you. Wow,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह सखर लना हाजा व मा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिल मुनकलिबून। यानी मेरा हशर जो इस टाइम हो रहा है गर्मी की वजह से और इसके हब्स की वजह से, स्पेशली मेरा इस टाइम पसीना इतना आ रहा है, दो मिनट में मैंने वहाँ पे जो है ना हशर हो गया। तो लेकिन वी हैव टू गो नाउ, बारिश के आसार तो हैं, होपफुली हमारा सफ़र अच्छा गुजरेगा। और अभी अब हवा में चलने से जो है ना हमारा अभी शायद पसीना और जो हमें आ रहा था वो बेहतर हो जाएगा। बट व्हाट एन एक्सपीरियंस, आपने देखा कितने अच्छे लोग हैं और वो सारे इतने वेलकमिंग हैं, सारे इतने स्माइलिंग और इतने जो है ना केयरिंग, हॉस्पिटेबल। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। तो अभी अब हमारा सफ़र जो है कोलकाता का जनाब वो है 160 किलोमीटर्स का, ओपला 160 किलोमीटर का सफ़र है हमारा, जो कि हमें जीपीएस हमारा जो है गूगल दिखा रहा है तकरीबन कोई थ्री एंड हाफ आवर्स। तो या थ्री एंड हाफ आवर्स। तो इंशाल्लाह सफ़र हमारा अच्छा गुजरेगा और हम शाम चार से पाँच बजे तक हम इंशाल्लाह वहाँ पहुँच जाएंगे। अभी बज रहे हैं 12। तो या कोलकाता इज़ द ब्यूटिफुल बीच सिटी, बीच, और वहाँ पे जो है बे ऑफ बंगाल। फाइनली वी विल मेक इट टू बे ऑफ बंगाल इंशाल्लाह। यहाँ तो सारी है ही रेत और पत्थर। ये हाथी साहब जहाँ पे जनाब रोड के ऊपर, वाह, लेकिन हाथी कमज़ोर लग रहा है मुझे। हाँ, नाम क्या है? अरशद। अरशद, अरशद, नाइस नेम ना। आपका नाम? मेरा नाम शहाबुद्दीन है। शहाबुद्दीन, बांग्लादेश कोस्ट गार्ड। ओके, ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। आपका पाकिस्तान का नंबर क्या है? मेरा पाकिस्तान का नंबर अभी नहीं चल रहा, बंद है वो, क्योंकि मैं अभी जब पाकिस्तान में चला गया। हाँ, तो मैं आपको कैसे कांटेक्ट करूँगा? मैं अभी यहाँ से जाऊँगा आगे मलेशिया, तो मैं पाकिस्तान में हूँ तकरीबन कोई 6-8 महीने के बाद जाऊँगा पाकिस्तान में। ठीक हो गया, ओके शाहबुद्दीन भाई, थैंक यू वेरी मच। ओके, अस्सलाम वालेकुम। ये बांग्लादेश कोस्ट गार्ड हमारे पीछे आ गया था कहीं से। मैंने यहाँ से ये वाला ब्रिज क्रॉस किया और वहाँ पे जो है मैंने अपना टॉल पे किया, तो बांग्लादेश कोस्ट गार्ड जो है ये वहाँ देख के ये मेरे पीछे फिर शायद कहीं से आ रहे थे तो आ गए। तो उसे इंटरव्यू लिया, ज़रा गपशप की, कोई इतना ख़ास प्रॉब्लम नहीं हुआ, बस ज़रा गपशप की और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो लिए बस। उसके बाद कहते हैं ठीक है, मेरा उन्होंने नंबर वगैरह लिया ट्रैक करने के लिए, बेबी ट्रैक करने के लिए होगा शायद। वो जनाब कोस्ट गार्ड वाले भाई साहब जो है मेरे पीछे पीछे आते रहे हैं, शायद वो भी इसी तरफ कहीं जा रहे होंगे अपने ऑफिस वगैरह में या कहीं पर भी। तो आगे इस शहर में जहाँ से मैं गुरु आगे वहाँ पे टॉल प्लाजा आया था, तो वहाँ मुझे रोका गया, तो वो आगे कहते नहीं इनको जाने दो, ये हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान के। तो दिस इज़ हाउ यू गेट हॉस्पिटैलिटी इन बांग्लादेश। तो फिर साथ में उसने मुझे फिर अपना नंबर दिया, कहते कि मसला वगैरह हो कहीं पे तो मुझे कॉल कर लेना। अभी वहाँ पीछे पुलिस का वहाँ पे नाका लगा हुआ था जनाब, उन्होंने मुझे इशारा किया है वो रुका हूँ, तो उसने अपनी जो है ना उसमें बंगला में उसने आके मेरे से बात की ड्राइविंग लाइसेंस और पेपर्स की। और जब मैंने उसको कहा कि उसको मैंने सलाम किया और
इंग्लिश में उससे मैंने बात की है, कहता ठीक है यू कैन गो नो प्रॉब्लम फॉर टूरिस्ट दे आर वेरी फ्रेंडली। और उसका यहाँ तो मैं यहाँ मैंने उसको बताया भी नहीं मैं पाकिस्तान से क्या नहीं उस तरह उसे जब ये के सिर्फ जब उसको ये लगा पता है कि बंदा टूरिस्ट है कहता है ओके गो नो प्रॉब्लम। आज सारा दिन रोड तो खैर यानी ख़राब थी एज़ कम्पेयर टू कल, लेकिन अब जो है आखिरी 15 किलोमीटर जो है कोलकाता से रोड बहुत ही गंदी हो आप लुक एट दिस लाइक पॉट होल्स और एवरीवेयर। आई थिंक यहाँ पे जाना यहाँ पर रिसेंटली यहाँ बारिश भी हुई है तो सारी वहाँ कीचड़ भी हो रही है और जंप यहाँ पे खड्डे यहाँ पे बेशुमार हैं और यहाँ पे इस टाइम जो है राइड करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये अच्छी बात है कि हम जो है ना ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच गए हैं, 15 किलोमीटर आई थिंक बाकी रहते हैं तो तब तक जो है इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ऊपर से हल्की हल्की बारिश हो रही है, हल्के हल्के कतरे पड़ रहे हैं तो आई होप कि हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ये बारिश तेज़ नहीं होगी इंशाल्लाह। लेकिन ये अगर जिस रोड से हम जा रहे हैं ये वाली तो खैर इसका तो हालात ख़राब ही नज़र आ रहे हैं। वाह लुक एट दिस रोड। यहाँ पहुँच चुके हैं कोलकाता में बे ऑफ बंगाल पे, यानी कि बहुत ही खूबसूरत जगह होनी चाहिए ये, लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ से हो सकती है कि यहाँ पे हम पहुँचे और हमारा मौसम भी अच्छा साथ थे। नहीं, बारिश शुरू हुई थी रास्ते में, मेरा ख्याल था कि बारिश शायद रुक जाएगी लेकिन बारिश जो है वो उल्टा काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई अगर आप देखें बाहर तो मैं कुछ देर अभी देखता हूँ अगर बारिश रुकते फिर हम जाएंगे बीच पे। यहाँ पे एक तो काफ़ी अच्छे बीचेस हैं यहाँ पे जो कहते हैं कि वहाँ पे जाके सनसेट अगर हम आज भूल जाते हैं क्योंकि बाहर सन है ही नहीं तो कहाँ से सनसेट होगा। एनीवेज आपको मैं अपना कमरा दिखाता हूँ। तो जो हमने यहाँ पे लिया कमरा, एक ये बेड है, ये सोफ़ा है जो भी यहाँ सारा सामान बिखरा पड़ा है मेरा, टीवी है और पंखा है, एसी है यहाँ पे, और ये इसका जनाब यहाँ पे है बाथरूम। तो इसके हमने दिए हैं जी 2200 टका। 2200 टका मीन्स तकरीबन कोई 18 से 30 यूरो आई गेस ऐसा कुछ है, हाँ इतना तकरीबन। जी हम कोलकाता में आए और इस बारिश के डर से हम बीच पे ना जाएं, दिस वॉन्ट बी फेयर। तो हम अभी जा रहे हैं बीच की तरफ, चल के देखते हैं कि यहाँ का बीच जो है ना, सुना है कि बहुत खूबसूरत है और वैसे भी फर्स्ट टाइम एवर ऑन द बे ऑफ बंगाल सो वी हैव टू पे अ विजिट। तो अभी हम जा रहे हैं जनाब और हमारे सामने अभी कहीं ना कहीं से बे ऑफ बंगाल नमोदार होगी। Oh wow, look at this. लेकिन वेदर यार बहुत ही ख़राब है, ये देखिए हमारे सामने इस तरफ जो है ये बीच और लोग वहाँ पे जो है अपना इंजॉय कर रहे हैं, पीछे अच्छा दूर दूर तक कश्तियाँ फिर रही हैं। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी देम बट दूर दूर तक वहाँ पे कश्तियाँ फिर रही हैं। हम ज़रा यहाँ से नीचे कहीं देखें कि नीचे हम कैसे जा सकते हैं। We want to go on the beach. सुना है कि यहाँ पर जो सनसेट होता है वो एक अमेजिंग सनसेट होता है, लेकिन वो तब होता है कि जब अगर हमारे पास यहाँ पर बारिश और बादल ना हो तो, क्योंकि आज unfortunately it's not possible to see. Hopefully we will have a chance to see it in some other beach here in Bangladesh. Assalamu alaikum. ये क्या बना रहे हैं आप? इलिश मछली फिश। इलिश? हाँ। इलिश मछली का जाल बना रहे हैं? जाल बना रहे हैं इलिश मछली। कल पकड़ेंगे जाएंगे से? कल के आज? आज के कल जाएंगे पकड़ने? हाँ हाँ ओके ठीक है मेहरबानी। अच्छा धन्यवाद।
हो जी, इलिच मछली जो है ना, इलिच मछली पकड़ने के जाल बना रखे होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं तो वो जाल जो टूट जाता है कभी कभार भाई। अब यहाँ पे उस तरफ कीचड़ है और यहाँ पे सर ये जगह जो है ना बहुत तंग है, एंड वी वॉन्ट टू टेक सम फोटोज हियर। दिस इज द बे ऑफ बंगाल, खलीज बंगाल, जिसके बारे में इतना कुछ पढ़ा था और इतना कुछ इसके बारे में सुना था, और अब वहाँ पे जाके हम अपने कदम भी रखने जा रहे हैं। सिर्फ एक जो है ना थोड़ा सा दुख हो रहा है कि यहाँ पे मौसम इतना अच्छा नहीं है कि हम ज़रा उसका मज़ा लेते सनसेट का, लेकिन हम इसके पानी को तो छू सकते हैं ना एटलीस्ट। हवा यहाँ पे बहुत तेज़ चल रही है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है बहुत। अब ये कश्तियाँ जा रही हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए। इलिच मछलियाँ सुना है कि जो है ना काफ़ी टेस्टी होती हैं, तो हम भी शायद कोशिश करेंगे आज कि इलिच मछली खाएं कहीं से। लें जी, आई थिंक आज के इस वीडियो को इस जगह के अलावा कहीं और पे ख़त्म करना हमारे साथ ज्यादती होगी। तो मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ और आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो अगर आज का ये दिन आपको पसंद आया है, स्पेशली गुआवा मार्केट, या आप मुझे बताइए कि आपको आज के दिन में क्या पसंद आया है। गुआवा मार्केट थी क्योंकि मेरी तो हाईलाइट वही थी, वहाँ पे जो हमारी कश्ती की राइड थी और वहाँ पे जो पूरा वो एक्सपीरियंस था, वहाँ के लोग थे। आपको क्या पसंद आया, आपने क्या देखा, तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट्स। कल हम जाएंगे यहाँ से टूवर्ड द साउथ। हमारा सफ़र यहाँ शुरू होगा टूवर्ड सिलहट, लेकिन सिलहट क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर है तो कल हम उसका हाफ वे करेंगे टूवर्ड फरीदपुर या फरीदाबाद, आई थिंक ऐसे कुछ है। हम कल वहाँ तक पहुँचेंगे और उसके बाद हम फिर आगे जाएंगे टूवर्ड सिलहट। तो उम्मीद है कि आपको आज का दिन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एज ऑलवेज गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल प्लेस। अंटिल देन अपना ख्याल रखिए एंड अस्सलामु अलैकुम।